नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी जरा व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में खुद को मोबाइल को चार्ज करते हुए देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ और साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे, जो कि आप यह स्वप्न देखते तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, तो आइए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में मोबाइल चार्ज करते हुए देखना एक बहुत ही शुभ संकेत देने वाला स्वप्न माना जाता है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो स्वप्न में वह मोबाइल चार्ज करता है तो उसके लिए स्वप्न एक बेहद ही अच्छा संकेत देने वाला स्वप्न है। और अगर आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह सपना संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको छोटी छोटी सफलताएँ प्राप्त होने वाली हैं। इन छोटी छोटी सफलताओं की वजह से एक दिन आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। यह स्वप्न बहुत अच्छा स्वप्न है। अगर आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं तो आपको अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको आपके सपने का अधिक से अधिक फल प्रदान करें। इष्ट देवता वह देवता होते हैं जिनको आप हृदय की गहराइयों से पसंद करते हैं या फिर उनका ध्यान करते हैं। अगर आप यह स्वप्न रात के 12-2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2-4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4-6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। किंतु सेम स्वप्न अगर आप दोपहर या शाम को सोते हुए देखते हैं तो इन सपनों का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और ये सारे स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी जानकारी। अगर अभी तक आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अब अगर दर्शकों उपाय की बात करूँ तो आपको ऐसे स्वप्न देखने के पश्चात आपको भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखे तो उसे आप अपनी यथाशक्ति, जितनी भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव व्यवस्थित रहे। राधे राधे। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। राधे राधे।